Assalamu alaikum dears, this is Ms. Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है पेपर पीपीसी लेक्चरशिप का पेपर है आज हमारे पास पीपीसी फिजिक्स लेक्चर 2022 का जो कि 30/10/2022 को हुआ था 30 अक्टूबर को. तो ये पेपर हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, इस पेपर में जितने भी ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स ये पेपर देख के आए थे उनको याद थे. ठीक है, तो उनको जितने भी ये स्टेटमेंट या उनके ऑप्शन याद थे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ओरिजिनल जितने भी मैक्सिमम उनको याद थे वो सारे इस पेपर में लिख सकूँ. क्योंकि असल चीज़ होती है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो होती है, ताकि उसकी की मदद से हम फिर समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है और उसने किस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया है और उसके लिहाज से फिर किस तरह आंसर दिए हैं. क्योंकि की वगैरह आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस पेपर के पहली वीडियोस में, मगर असल चीज़ होती है स्टेटमेंट, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन पूछता किस तरह है. ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा. सो आज हमारे पास पहला इसका पेपर का क्वेश्चन है कि द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी पी एफ ई वेरीज फ्रॉम. ये स्टेटमेंट जो है मेन, ये स्टेटमेंट की मेन है चीज है ये, और ये पूरे स्टेटमेंट थे कुछ, यानी जो कैंडिडेट्स को याद थे वो तो मैं पूरी लिख चुका हूँ, मगर कुछ दो जो मेन उनकी याद थी लाइन तो सिर्फ वही लिखे हैं मैंने फिलहाल. तो इसमें हमारे पास जो पहला है द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी पी एफ ई वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 to infinity, 1 to infinity और -1 to 0. सो जो फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास वेरी करती है 0 to 1, जब हमारे पास एनर्जी ई लेस देन हमारे पास फर्मी एनर्जी होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और जब ई ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी तो 1. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरीज करती है फ्रॉम 0 to 1. नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज. स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा गया था, और हम जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है, कि जो स्पीड है वो ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी का जो है इसके साथ डायरेक्शन भी होता है. सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो हमारे पास ऑप्शन जो सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन डिस्टेंस इज. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वी आई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. सो हमारे पास एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर बन जाएगा. तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और वो हमारे पास ऑप्शन बी है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर. नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज एट एंगल. तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट्स जो है मैक्सिमम दो वेक्टर्स की मैक्सिमम कब होते हैं, जब हमारे पास एंगल क्या हो 0 हो, क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा होता है दो डॉट प्रोडक्ट्स में जो एंगल होता है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो 0 है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है. सो द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट एज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. The maximum value of cosine is cos 0 equals 1. For this value, dot product simply evaluates to the product of the magnitudes of two vector. So, हमारे पास जो correct option है वो theta equals 0. Option B हमारे पास correct option है इसमें. Next है हमारे पास fifth MCQ. An object of mass 2 kg is attached to the string at a distance of 2 meter is moving with a velocity of 4 meter per second. ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड है. ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट. सो एट लोएस्ट पॉइंट पे जब हम फाइंड करते हैं टेंशन, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला हम यूज करते हैं, मगर क्योंकि हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट पे जो हमने ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रिंग के साथ बांधा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी हमारे पास एक्ट कर रहा होता है, इस वजह से वो भी हमारे पास इसमें एड हो जाता है. सो हमारे पास सेंट्रीपिटल का जो फोर्स है उसका फार्मूला हमारे पास चेंज होकर टी इक्वल्स एम वी स्क्र और आर प्लस एम जी हो जाता है. सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो टी इक्वल टू 36 न्यूटन आ जाएगा. ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के फॉर्मूला से है. सो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 36 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मोलर मास, मोलर नंबर
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। सो हम जानते हैं जो डिफरेंस होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का, यानी सीपी और सीवी जो हमारे पास है वो आर की इक्वल होता है, जो कि हमारे पास क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। सो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर आइडियल गैस कांस्टेंट। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है। इफ द मोमेंटम एस पी इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 देन फाइंड द नेट फोर्स टी इक्वल्स 2 सेकंड। तो हमारे पास मोमेंटम गिवन है, हमने टी नेट फोर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो एफ है वो डीपी और डीटी की इक्वल्स होता है। सो हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे तो ये 2t प्लस टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो एफ की न्यूटन है वैल्यू है वो हमारे पास 6 न्यूटन की इक्वल आ जाएगी। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है, 6 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेज विच लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास कौन सा जो है लॉ को ओबे करता है। तो हमारे पास क्या है कि जो बॉयल्स लॉ है स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ कन्फाइंड गैस एज द लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देयरफॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेज बॉयल्स लॉ, क्योंकि हमारे पास आइसोथर्मल सेम हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो हमारे पास कौन सी लॉ में होता है, कौन सी लॉ के लिए, वो हमारे पास ऑप्शन बी है, बॉयल्स लॉ। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, आइसोथर्मल लॉ प्रोसेस जो है बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 एमसीक्यूज। वेंचुरी मीटर मेजर्स स्पीड ऑफ डैश, किस चीज की स्पीड को मेजर करता है, ये स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट है, स्पीड ऑफ मेजर्स स्पीड ऑफ फ्लूइड। सो और ये हमारे पास क्या करता है, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। इट्स यूज फॉर ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन, ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन पे वर्क करता है। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम थ्री इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो हमारे पास पूछा गया था कि ये हमारे पास किस चीज को मेयर करता है, तो यह स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेयर करता है। तो ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है एन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेंक स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, तो जब भी आप तैयारी करें तो पास पेपर लाजमी देखकर करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो इस पेपर में भी पिछले पेपर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स, वेवलेंथ, सेपरेशन बिटवीन स्लेट, या ऑल ऑफ अबव। तो हम जब फॉर्मूले को देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो स्पेसिंग है फ्रेंक स्पेसिंग डेल वाई वो इक्वल होता है लैम्डा एल ओवर डी के। तो इससे हमें पता चलता है जो फ्रेंक स्पेसिंग है डेल वाई हमारे पास इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ डीज। नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट कोई ना कोई पेपर में लाजमी पूछते हैं, या किलोवाट आवर पूछते हैं, या इलेक्ट्रॉन वाट, या हमारे पास कोई भी इसका यूनिट वो पूछ लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वाट वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास 12 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वोल्ट है हमारे पास। तो ऑप्शन जो बी है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 13 एफ टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास जो पेपर ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है, पिछले 3-4 साल के अगर पेपर देखें तो ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सेम और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन का, या सेम डायरेक्शन का पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है कि जो सेम में है ये हमारे पास टू पैरेलल वायर्स जो है करंट कैरी इन अपोजिट डायरेक्शन, दे रिपेल ईच अदर, वायरस एफ टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें हमारे पास सेम डायरेक्शन का पूछा गया, तो ये हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट के लिए ये हमारे पास रिपेल करते हैं। पेपर में सेम का पूछा गया था, तो ये हमारे पास सेम के लिए हमारे पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट में ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास है 14 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, सो द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज द मोटर। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मोस्ट मोटर यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैग्नेट्स टू कॉज मैकेनिकल रोटेशन विच कैन डू वर्क। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, मोटर।
नेक्स्ट हमारे पास है 15, द फिनोमेना इन व्हिच चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास डिफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की। ऑप्शन जो बी है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि एक कॉइल में जब करंट चेंज होता है तो ये नियर बाय जो दूसरा कॉइल होता है इसमें ईएमएफ को इंड्यूस करता है, तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज अबाउट। तो हमारे पास जो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है वो हमारे पास कितना होता है, तो आयरन के लिए हमारे पास जो क्यूरी टेम्परेचर है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 750 होता है, 750 से लेकर 770 तक हमारे पास होता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन 750 गिवन था, तो हमारे पास 750 ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और हम क्यूरी टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर अबाउट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेट फील्ड एंड द मैग्नेटिज्म इज कम्प्लीटली डिसअपीयर्स। तो हमारे पास ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन है, और जो हमारे पास आयरन के लिए है वो 750 से लेकर 770 है, और अगर केल्विन में पूछे आपने 273 को इसमें प्लस कर देना है। सो हमारे पास जो ऑप्शन है, इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट का 1400 के केल्विन है और निकल का हमारे पास 627 केल्विन है। सो आयरन के लिए हमारे पास सेंटीग्रेड में हमारे पास 750 है, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 17 है इन ऑर्थोरोम्बिक एंगल्स आर। तो ऑर्थोरोम्बिक्स में हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, हमारे पास सारे जो एंगल होते हैं वो हमारे पास 90 के इक्वल होते हैं, सारे जो एंगल्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह क्यूबिक में हमारे पास क्या है, 90 के सारे इक्वल है, साइड भी इक्वल है, टेट्रागोनल में एक साइड अनइक्वल है, एंगल इक्वल है सारे, ऑर्थोरोम्बिक में एक साइड अनइक्वल, एंगल सारे इक्वल, सिमिलरली ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है और मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90, ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, सारे हमारे पास जो एंगल है वो 90 के इक्वल है। सो ऑप्शन जो ए है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, वो हमारे पास क्या है 0.52 है हमारे पास। फिर हमारे पास बीसीसी है उसमें 0.68 है यानी 68%, और हमारे पास फिर एफसीसी या हमारे पास एससीपी दोनों में हमारे पास 74 या 0.74 है पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, एटॉमिक फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट। सो हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद से हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाती है फ्रैक्शन 52%। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी टर्म्स है उसका भी हमारे पास इसी तरह। तो ये इसमें से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से जो बेसिक सॉलिड फिजिक्स की चीजें हैं उसमें से अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, या तो ये पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह का पूछ लेते हैं, या जो नंबर ऑफ हमारे पास है एटम्स पर यूनिट सेल है, या हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनमें से कोई ना कोई पूछ लेता है। तो आप लोगों ने इसको देखना है, लाजमी याद करने हैं। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन जो है सिंपल का 52 है, बॉडी का 68 है, फेस सेंटर का हमारे पास 74 है, और हेक्सागोनल का 74 है। सिमिलरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है 8 है 12 है 12 है, और नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल 1 है, सिंपल में बीसीसी में 2 है, और एचसीपी और एफसीसी में 4 और 6 है। तो ये मैं नोट्स प्रोवाइड भी कर लूंगा इस पेपर में, मैं अपनी वेबसाइट पे ये नोट्स वगैरह अपलोड कर लूंगा ये पेपर, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ये आंसर लिखा है, तो आपको आसानी होगी तैयार करने में। नेक्स्ट हमारे पास है 19 ई पर आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिपीट हुआ है, और ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का था इसमें से भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास एलियर फॉर्मूला है, ऑप्शन ए इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हमारे पास 20 है सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज ब्रिटल डक्टाइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। सो ऐसे हमारे पास material that elongate considerably and undergo plastic deformation before they break are known as ductile substances. So option हमारे पास B जो है correct option है, कैसे हमारे पास material जिनको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी इसको आप इस पर प्रेशर अप्लाई करें थोड़े से तो ये उनमें लचक सी होती है, मगर एक खास हद से ज्यादा जब आप उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो ऐसे यानी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाते हैं बिफोर दे ब्रेक डाउन, तो ऐसे
उसको मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। ऑप्शन जो बी है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, एटम कैन रिजाइड इन मेटास्टेबल स्टेट फॉर एक्सपोनेंशियल, कितने टाइम के लिए लेते हैं हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में, यह भी हमारे पास जो है ये रिपीट हुआ है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस 3 है। पिछले जो पेपर था 2022 का जो हमारे पास आई थिंक जनवरी में हुआ था, तो इस पेपर में ये हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। तो मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास जो एटम है वो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड के लिए रिजाइड करता है, तो इसके बाद हमारे पास वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है। सो मेटास्टेबल स्टेट इज द स्टेट लाइज बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, फॉर एक्साइटेड स्टेट इट लूज दिस सम ऑफ एनर्जी एंड कम्स टू द मेटास्टेबल स्टेट। द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड। सो पहले हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास लाइफ टाइम जो है वो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस 7 सेकेंड, एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मेटास्टेबल स्टेट में। और इसी तरह हमारे पास ये एनर्जी जो है ये, क्योंकि हमारे पास ये चेंज होते रहते हैं स्टेट्स, मैक्सिमम एनर्जी एंड गेट्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, उसके बाद ये हमारे पास मेटास्टेबल से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। एटम्स कंटिन्यूसली चेंजिंग द स्टेट टू प्रोड्यूस सम एनर्जी। सो ये हमारे पास स्टेट जो है चेंज कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। सो हमारे पास जो मेटास्टेबल स्टेट लाइफ टाइम है वो एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास है 22, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पीड है वो हम जानते हैं कि सी इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट होल अंडर रूट होता है। तो ऑप्शन जो हमारे पास है डी के 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर 1 ओवर 2 यानी अंडर रूट 2 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 23, द फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट कैन इंटरैक्ट विद मैटर एज, तो हमारे पास जब भी एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट होती है तो हमारे पास फिर कौन सा फिनोमेना होता है पेयर प्रोडक्शन का। ऑप्शन जो सी है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पेयर प्रोडक्शन। एनर्जी जब लेस हो हमारे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बिटवीन 0.5112 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट हो तो कॉम्पटॉन इफेक्ट, और इससे ग्रेटर हो तो हमारे पास कौन सा फिनोमेना होता है पेयर प्रोडक्शन का। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 24, ये जो एमसीक्यूज है ये भी रिपीट हुआ है, द चेंज इन मेटल करंट टू द चेंज इन बेस करंट एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, तो जिसमें मेटल करंट टू बेस करंट हमने रेशियो फाइंड करनी हो यानी एम्पलीफिकेशन फैक्टर फाइंड करना हो तो उसको हम क्या कहते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो दो हो उसके अलावा जो तीसरा होता है उसका वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनता है। जैसे हमारे पास क्या है एमिटर करंट है और बेस करंट है, तीसरा हमारे पास क्या होता है कलेक्टर करंट रहता है, तो ये हमारे पास कॉमन कलेक्टर करंट होगा। सो जो तीसरा नहीं होगा उसका हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा यानी कॉमन कलेक्टर। सो हमारे पास कॉमन कलेक्टर जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। एमिटर करंट है बेस करंट है तो ये हमारे पास कॉमन कलेक्टर बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन है एम्पलीफिकेशन फैक्टर सी वी मोड डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमिटर करंट, बेस कलेक्टर वोल्टेज कहते हैं, और ये हमारे पास अल्फा होता है हमारे पास डेल आई सी और डेल आई ए, और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द जर्नल इज स्लाइटली लेसर देन यूनिटी, बीटा नॉन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और ये हमारे पास गैमा जो होता है इसमें हमारे पास सी सी मोड जो होता है तो वो हमारे पास होता है। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारे पास कॉमन कलेक्टर ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 25, 1 किलोरीज ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो 1 किलोरीज ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास 4.18 जौल की इक्वल है, जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या है ए ऑप्शन है 4.18 जौल। सो यूनिट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास जौल है वैसा यूनिट है पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 1. एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जोल के इक्वल होते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जोल अर्ज है, और 1 अर्ज जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस 7 जोल के इक्वल है, कैलोरीज है जो कि हमारे पास 4.16 जोल के इक्वल है, और किलोवाट आवर है। ये सारे हमारे पास एनर्जीज की यूनिट है और ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि किसकी इक्वल है, तो ये हमारे पास सबसे जो बड़ा यूनिट है वो हमारे पास क्या है किलोवाट आवर, जो कि हमारे पास
1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 × 10⁶ जोल की इक्वल होता है। फिर कैलोरीज है और 1 कैलोरीज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास 4.18 जोल की इक्वल है। और फिर हमारे पास है जो अगला है हमारे पास अर्ज है जो कि एक्सपोनेंशियल -7 है और पर किलो वाट आवर है। सो यहाँ हमारे पास जो पूछा गया था वो हमारे पास कैलोरीज था और 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमारे पास 4.18 जॉल के इक्वल है। सो ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इसका हमारे पास क्या मतलब है कि जो एंगल है वो हमारे पास फिर कितना होगा 90 का। सो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स एंड ईएम वेव्स ट्रेवल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 × 8 मीटर पर सेकेंड एंड वैक्यूम। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एंगल 19 के दरमियान होता है, राइट एंगल होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है 27। If the atoms or molecules in a solid are periodical at regular intervals of distance in three dimension, then that solid is known as crystalline solid. तो उसको हम crystalline solid कहते हैं। Option A हमारे पास इसमें correct option है। Next हमारे पास है 28। Which of the following is inherited property of all materials? Inherited property हमारे पास सारे material की जो अपनी property है वो हमारे पास कौन सी है जो उनके पास ही होती है। तो diamagnetics यानी where orbital motion of electron creates tiny atomic rounds loops which produce magnetic fields. So ये हमारे पास सारे क्योंकि हर उसमें material में हमारे पास क्या होते हैं कोई ना कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग लूप जो है करंट के वो क्रिएट करते होंगे। सो हमारे पास ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल एंड अपोजेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स बट इज वेरी वीक। सो हमारे पास जो डायमैग्नेटिक है ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 29। ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लिथियम +2 ion n = 3 है। तो ये हमारे पास up to 0, 1, 2, 3 up to n-1 इसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनती है n = 0, 1, 2 ऑप्शन जो ए है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिपीट हुआ है यानी हमारे पास क्या होता है n की वैल्यू हमारे पास होती है n = 0, 1, 2, 3 up to n-1। सो एक हमारे पास उससे कम होता है। सो टोटल हमारे पास 0, 1, 2, 3 होंगे यानी 0, 1, 2 तक होंगे। ये 3 हमारे पास n कंप्लीट हो जाते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 30। व्हाट विल बी द बोथ इनपुट्स फॉर NAND गेट टू गिव द आउटपुट इज 0। सो NAND गेट हमारे पास क्या है, एंड गेट का नेगेटिव है नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या है, बोथ इनपुट्स आर 0, बोथ इनपुट्स आर 1, 1 इनपुट 0, 1 अदर इज 1। सो नैंड गेट है तो हमारे पास कब इसका आउटपुट 0 होगा। तो ये हमारे पास देखते हैं, ये हमारे पास एंड गेट और नॉट गेट का क्योंकि इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास सिंबल इसका हमारे पास ये है, ये हमारे पास एंड गेट है और नॉट गेट कनेक्ट करते हैं तो नैंड गेट हमारे पास बन जाता है। और ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है कि जब हमारे पास दोनों वन हो तो हमारे पास जीरो आ जाता है क्योंकि जो एंड गेट की जो हमारे पास आउटपुट होंगे इसको ये इन्वर्ट करेगा नेगेटिव के साथ। सो ये हमारे पास इसका जब दोनों हमारे पास वन हो तब ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट जीरो होगा। सो ये हमारे पास इसका आउटपुट है। इसके अलावा जो और भी गेट्स हैं उनके हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है यस नो के एंड गेट के, क्योंकि एंड गेट के जब हमारे पास दोनों वन होते हैं तब हमारे पास क्या आता है, वन आता है और वो हमारे पास इन्वर्ट होके नैंड गेट बन जाता है यानी वन होगा तो हमारे पास इसको जीरो कर देगा। तो जब दोनों इनपुट हमारे पास वन होंगे तब ही वो नैंड गेट में जीरो होगा उसका आउटपुट। सो ये हमारे पास नैंड गेट का है, ठीक है, दोनों वन है तो हमारे पास जीरो। इसी तरह नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है और ये। सो जब हमारे पास दोनों इनपुट वन की इक्वल होंगे तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास जीरो की इक्वल होगा। सो इस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन जो ए है कि मैन बोथ इनपुट्स आर वन आउटपुट विल बी जीरो फॉर नैंड गेट। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट 31 है, इन समर द फिनोमेना ऑफ मिराज इज ड्यू टू। तो हमारे पास जो इस फिनोमेना ऑफ मिराज है ये हमारे पास किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से
ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो मिराज इन ऑप्टिक्स इज द डिसेप्टिव अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉज बाय द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, रिफ्रैक्शन इन लेयर्स ऑफ एयर वेरिंग डेंसिटी। मिराज इज कॉज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द वेरियस लेयर्स ऑफ एयर। इट कैन It is an optical illusion which is responsible for the appearance of water layer at the short distances in the desert or on the road. ये हमारे पास example है total internal reflection and occurs due to atmospheric refraction की वजह से। So जो हमारे पास correct option है वो हमारे पास क्या है? So इसके लिए हमारे पास condition क्या है? These light rays travel at different speed through the hot and cold air. For mirage to occur, the ground should be very hot and the surrounding air cold. The layer which is above the ground gets warm. The light rays get refracted when the light moves through the cold air and into the hot air layer. This is how mirage occurs. So हमारे पास क्या है? Due to refraction and total internal reflection की वजह से option जो D है हमारे पास correct option है इसमें से। Next 32 है हमारे पास। The phenomenon, the nil temperature is the temperature above which paramagnetic material becomes. तो हमारे पास nil temperature कौन सा temperature है हमारे पास? तो nil temperature हमारे पास कौन सा temperature है? इसको हम define करते हैं कि जो nil temperature है वो हमारे पास ऐसा temperature है जिसमें से हमारे पास क्या है? जो above which the anti-ferromagnetic or ferrimagnetic material becomes paramagnetic, which is shown in this figure. तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है थोड़ी उल्टी करके इन्होंने पूछी है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में चेंज करता है, ठीक है? तो हमारे पास क्यूरू पॉइंट भी है, हमारे पास एक टेम्परेचर है, इसकी डिफिनेशन भी देख रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर है अबाउ विच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नोन एज कैरी क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरू वेस्ला भी हमारे पास है, susceptibility of ferromagnetic material decreases above a certain temperature called Curie temperature and become paramagnetic and nature. ये हमारे पास Curie West law है। So हमारे पास nil temperature के लिए क्या है कि जो हमारे पास ऐसा temperature जैसे हमारे पास anti ferromagnetic जो है या ferromagnetic paramagnetic में change हो जाए। So anti ferromagnetic हमारे पास जो answer D है ये हमारे पास इसमें से correct option बनता है, option D. नेक्स्ट हमारे पास 33, द बैंड गैप ऑफ एलईडी हैविंग वेवलेंथ ऑफ 620 नैनोमीटर, फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वाट। तो इलेक्ट्रॉन वाट में हमने एनर्जी फाइंड करनी थी, हमने फॉर्मूला इसमें डालना है E इक्वल्स टू जो हमारे पास एच सी और लैम्डा वाला फॉर्मूला है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वाट इसकी वैल्यू आ जाती है, या शॉर्टकट आप E इक्वल्स टू 12 40 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। सो 1240 डिवाइड बाय 620 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वाट जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से आ जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स पार्शियली फिल्ड बैंड इज इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और नन। तो हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर फ्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इन वैलेंस बैंड गेन एनफ एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, वेयर इज द अदर्स रिमेन इन द वैलेंस बैंड, हेंस द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटीरियल है जिसमें पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड है। तो हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स का पूछा गया था कि जो कलर्स आर रिलेटेड टू हमारे पास कौन से पार्टिकल्स के कलर्स होते हैं, लेप्टॉन्स के, क्वार्क्स के, न्यूट्रिनो के, और एक और ऑप्शन था। तो हमारे पास जो कलर है वो रिलेटेड होते हैं हमारे पास क्या, कौन से चार्ज कलर जो हमारे पास है प्रॉपर्टी है क्वार्क्स की एंड ग्लुओंस की, दैट इज रिलेटेड टू द पार्टिकल स्ट्रांग इंटरेक्शन इन द थ्योरी ऑफ क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स क्यूसीडी। The color charge of quark and gluons is completely unrelated to everything, everyday meaning of color and charge. The term color and the labels red, green and blue become popular simply because of the loose analogy to the primary colors. So, ये हमारे पास जो ये quarks और gluons से related है, so हमारे पास जो correct option इसमें है बनता है वो हमारे पास quarks का given था, so जो option भी है हमारे पास correct option है quarks. नेक्स्ट हमारे पास है 36, द पॉइजन्स ब्रैकेट्स और सिमिलर टू कम्यूटेटर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल और न्यूटोनियन। सो पॉइजन्स ब्रैकेट्स जो है वो हमारे पास सिमिलर टू है कम्यूटेटर्स एंड
क्वांटम मैकेनिक्स, कम्यूटेटर हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, तो हमारे पास जो पॉइजन ब्रैकेट्स प्ले मोर और लेस सेम रोल इन द क्लासिकल मैकेनिक्स दैट कम्यूटेटर डू इन क्वांटम मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैमिल्टनियन जो हैमिल्टन इक्वेशन है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, वो हमारे पास सिमिलर है हाइजेनबर्ग इक्वेशन एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास एच जो है मिल्टोनियन है, एफ इधर फंक्शन है स्टेट वेरिएबल का, और जो ऑपरेटर है साई हमारे पास क्वांटम इक्वेशन में हैट इंडिकेटर्स इन ऑपरेटर। सो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग है मिल्टोनियन मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग इक्वेशन के सिमिलर है। सो ये हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है 37 है, इसमें हमारे पास ऑर्डर पूछा गया था विच वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये सारी चीजें गिवन थी, यानी कि हमारे पास वेव्स गिवन थे कि रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडियो वेव्स है, फिर माइक्रोवेव्स है, इंफ्रा रेड है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है या गामा रेज है। तो शॉर्टकट इसको आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, रेडियो मिर्ची आई लव यू एज ज़ेरॉक्स गन, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए आपने यूज करना है। या रेडियो के हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स है, मिर्ची का हमारे पास माइक्रोवेव्स, आई का हमारे पास इंफ्रारेड, यू वी का हमारे पास विजिबल, और एक्स का हमारे पास अल्ट्रावायलेट, सॉरी एक्स रेज, यू का अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड जी का गामा रेज। सो रेडियो मिर्ची आई लव यू गैमा रेज, या इससे भी याद कर सकते हैं रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल ज्योमेट्री कैलकुलस, रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल ज्योमेट्री कैलकुलस। सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गैमा रेज एंड कॉस्मोस रेज, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का हमारे पास बनता है। फिर जो हमारे पास लैम्डा के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, तो एनर्जी के लिहाज से हमारे पास आ जाएंगे, और फिर जो वेवलेंथ क्लास है तो इसको आप इसके जो है वो चेंज कर दे ऑर्डर, तो हमारे पास वो बन जाएंगे। सो ये हमारे पास इसका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 38 है, एटम्स हैविंग मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज कॉल्ड, सेम मास नंबर और एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ऑप्शन जो बी है हमारे पास करेक्ट है इसमें से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। सो ऑप्शन जो बी है हमारे पास करेक्ट है, और इनकी जो मुख्तलिफ है, फॉर एग्जाम्पल क्रैप्टन एयर जो है, अर्गॉन और क्रैप्टॉन हमारे पास आइसोबार्स है, ये हमारे पास आइसोटोप्स जो होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोबार में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक मैसेज, आइसोटोन्स होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होते हैं इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर के लिहाज से हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, और आइसोटोन्स में हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक होते हैं, एटॉमिक मास के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट मास होता है, सेम एटॉमिक मास होता है आइसोबार्स का, और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिहाज से हमारे पास है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोप्स में, से डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोबार्स में, और सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोन्स में। तो ये जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, ये मैं अपनी वेबसाइट पे physicslove02.blogspot.com पे मैं ये अपलोड कर लूंगा, जैसे ही वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा ये वेबसाइट पे, ये पीडीएफ भी अपलोड कर लूंगा, वहां से आप इसको इजीली कर सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ में। सो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है वो हमारे पास क्या है, आइसोबार्स, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सी पी माइनस सी वी। सो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी के लिए, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक या सेम फॉर ऑल। हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी जो है हमारे पास इक्वल होता है आर, और वो हमारे पास जो आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्सेप्ट, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से हमारे पास वो सारों के लिए हमारे पास उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। सो डी की जो ऑप्शन है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू यानी सी पी माइनस सी वी, ये इसका ऑप्शन जो है एमसीक्यूज का वो हमारे पास डी ऑप्शन है, सेम फॉर ऑल, वो हमारे पास किसी के लिए भी कम ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास सेम होगी सारों के लिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट है 40, द टेम्परेचर एट विच मटीरियल लूज देयर ऑर्डरलीनेस ड्यू टू द थर्मल मोशन इज कॉल्ड,
क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो जो ऑर्डरलेस हमारे पास ऐसे जिस टेम्परेचर पे हमारे पास मटेरियल लूज करे उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ऑप्शन जो ए है हमारे पास, ये इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट एट विच द एनफ एनर्जी इन द मेटल टू ब्रेक अप द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सो जो ऑर्डरनेस है वो हमारे पास इसमें ब्रेक कर जाती है, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। क्यूरी टेम्परेचर इज डिपेंडिंग अपॉन द मेटल बींग फॉर 770 यानी 75 to 770 हमारे पास आयरन के लिए है, ये हमारे पास 1127 हमारे पास कोबाल्ट के लिए है, और इसी तरह हमारे पास 354 ये हमारे पास निकल के लिए है। सो क्यूरी टेम्परेचर को हमारे पास, क्योंकि इसको डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर एट व्हिच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू बी रिप्लेस बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। द टर्म क्यूरी टर्म्स रिजल्ट आफ्टर प्यूरी क्यूरी हु शो दैट द मैग्नेटिज्म वॉज लॉस्ट एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हमारे पास जो इसमें ऑर्डरनेस हमारे पास लूज करते हैं मटेरियल, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर हम कहते हैं, और ऑप्शन हमारे पास जो ए है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है डाउन क्वार्क कैन बी चेंज इनटू अप क्वार्क प्लस अदर पार्टिकल्स परहैप्स। किस इंटरेक्शन के थ्रू हम हमारे पास जो है डाउन क्वार्क चेंज होता है अप क्वार्क में, अप क्वार्क डाउन क्वार्क में, तो ये हमारे पास वीक इंटरेक्शन इसमें हमारे पास है यूज होती है हमारे पास वीक इंटरेक्शन के थ्रू। ऑप्शन ही इसमें हमारे पास करेक्ट है। जो वीक द फोर्स इन्वॉल्व इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स विच अलाउज क्वार्क टू फ्लिक फ्रॉम अप टू डाउन दिस चेंजिंग देयर चार्ज। अप क्वार्क्स है +2 or 3 इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, डाउन क्वार्क्स है -1 or 2 चार्ज। सो ये हमारे पास फ्लिप कर जाते हैं यानी चेंज हो जाते हैं, अप क्वार्क्स डाउन में और डाउन क्वार्क्स अप में, या डाउन क्वार्क्स अप में अप डाउन में। तो ये हमारे पास वीक इंटरेक्शन के थ्रू ये फ्लिप करते हैं, चेंज होते हैं एक दूसरे में, और इसमें परहैप्स सम अदर पार्टिकल्स भी इसमें हमारे पास इसके साथ प्रोड्यूस होते हैं। आई थिंक जो बोजान है वो शॉर्ट लिव्ड बोजान, इसके लिए कुछ लाइफ टाइम के लिए इसमें वो प्रोड्यूस इसके साथ होता है डब्ल्यू बोजान जो है। सो ऑप्शन जो इसमें हमारे पास है बहरहाल जो सी है ऑप्शन, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 42 एंड साइक्लोट्रॉन द एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ है फिर, और हमारे पास जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल वो हमारे पास आर स्क्वायर की इक्वल होती है। हमारे पास सी ऑप्शन जो इसमें है काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास फिर इसकी आ जाती है साइक्लोट्रॉन की एनर्जी जो कि आर स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर 2m है। सो ये डायरेक्टली रिलेशन में है आर स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी और स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास 43 है फॉर डायमंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 12 degree एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 degree, फाइंड द इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना था, दो एंगल हमें गिवन थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट, तो हमने फार्मूला स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करना था, एन इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर या साइन 1/sin2। तो ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारे पास जो डायमंड का के लिए होता है वो हमारे पास 2.4 इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है 2.4। नेक्स्ट हमारे पास है 44 पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस 1/T इंक्रीज टी और इंक्रीज टी स्क्वायर और टेम्परेचर कांस्टेंट। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है इसमें हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो डिक्रीज होती है एज 1/T। ऑप्शन जो ए है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास एम इक्वल टू काई एक्स और सी और टी मल्टीप्लाई एच आ जाता है, और एम हमारे पास मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी है, सी कॉफिशियंट क्यूरी कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये हमारे पास जो टी के साथ है टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन में है, सो ये डिक्रीज करेगा एज 1/T। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 45 द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर फॉर गैसेस इज। सो हमारे पास गैसेस के लिए जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है वो हम फॉर्मूले से निकालते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT और m, तो यहाँ से हम पी वी इक्वल टू nRT पुट करते हैं, पी वी की जगह m और कैपिटल m RT आ जाता है, और यहाँ से पी और रो की वैल्यू RT और m आ जाती है। सो RT और m की जगह हम पी और रो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वी आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो 3P और रो अंडर रूट आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शन, ये हमारे पास बी ऑप्शन बनता है, बी जो वी आर एम एस है 3P और रो होल अंडर रूट, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास 47 क्वेश्चन पूछा गया था कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास इज द पॉइंट ऑफ बॉडी वेयर होल वेट हमारे पास कंसंट्रेट करे, होल मैस लाइज करे, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ मैस जो हमारे पास जहाँ मैस हमारे पास लाइज करे, सो ये हमारे पास ग्रेविटी का है, होल मैस जहाँ लाइज करे या कंसंट्रेट करे उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉइंट ऑफ डेड बॉडी कहते हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को रूमर ने फाइंड किया था, और ये हमारे पास डेनिश जो था एस्ट्रोनोमर था, बिकम द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास 48, अ बॉम्बर प्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली बॉम्ब्स द ग्राउंड एंड व्हेन हिट बॉम्ब हिट्स द ग्राउंड द पोजीशन ऑफ प्लेन विल बी, कि जब हमारे पास एक बम्बर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो हमारे पास बम गिराता है, बम्बार्ड करता है ग्राउंड को, तो जब बम हिट करेगा ग्राउंड को तो उस वक्त जो प्लेन की पोजीशन हमारे पास क्या होगी, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म बन जाती है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ओवर द बम, सो अहेड ऑफ बम, बियॉन्ड द बम या ओवर द बम, तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है ओवर द बम। नेक्स्ट है 49, एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन स्पेस फार अवे फार फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट, ऑफ द इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट स्टॉप, कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास स्पेस में है, मूव कर रहा है किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाहर, अगर उसका इंजन स्टॉप करे तो हमारे पास क्या होगा, द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट डिक्रीज स्लोली, इट विल स्टॉप सडनली, इट विल मूव फॉर एवर। तो उसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, इट विल मूव फॉर एवर। सो ये हमारे पास असल में जो न्यूटन लॉ है उसके मुताबिक है कि एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज विद द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, सो द स्पेसक्राफ्ट कीप्स मूविंग फॉर एवर विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट विल मूव फॉर एवर। नेक्स्ट हमारे पास है 50, An object is initially at rest and moves with a velocity of 25 meter per second at acceleration after 10 second is. So हमने हमारे पास given है velocity, object initially at rest है, तो हम इसके हमने acceleration इसका find करना है, तो हमारे पास क्या है formula? तो हमारे पास v a physical to v a plus a t, तो rest पे है initial velocity zero हो जाएगी, so यहाँ से हमारे पास a की जो value आ जाएगी वो v a for t आ जाएगी, यानी 25/10, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए बनता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 51, द एंगल एट विच कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, सो कौन से एंगल पे हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा, तो हम जानते हैं कि जो लार्जेस्ट कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो एंगल थीटा है, और थीटा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, सो इसकी जब वैल्यू लार्जेस्ट होगी तभी हमारे पास जो वैल्यू है कॉम्पटन शिफ्ट की लार्जेस्ट होगी, ज्यादा होगी, और वो हमारे पास मैक्सिमम थीटा इक्वल्स टू 180 है, क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास 180 जो है वो माइनस 1 के है, सो 1 माइनस इंटू माइनस 1 वो हमारे पास 2 आ जाता है, सो मैक्सिमम इसमें हमारे पास फिर 2h और mec आ जाती है, सो ये हमारे पास एंगल जो है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट के लिए 180 होगा, सो ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास 52 है, द मेजरिंग एंगल बैंड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसी तरह की स्टेटमेंट थी कि हमारे पास से पूछा गया था कि हमारे पास जो है कि अर्थ मैग्नेटिक अर्थ के जो एंगल मेजरिंग एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन, पोल एंड इक्वेटर, तो हमारे पास जो अर्थ के लिहाज से जो एंगल होते हैं मेजरिंग एंगल वो हमारे पास कौन से होते हैं, इंक्लाइनेशन एंड डिक्लाइनेशन या डेविएशन। सो इंक्लाइनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक प्लेन ऑफ एंड द जियोग्राफिकल प्लेन of earth, angle of inclination or dip is defined as the angle made by the earth's total magnetic field with the horizontal component of magnetic field. So ye hamare paas jo option correct hai wo hamare paas hai option b, angle of inclination and declination, option b hamare paas correct option hai isme se. नेक्स्ट हमारे पास 53 ऑप्शन जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन के लिहाज से पूछा गया था, और ऑप्शन में हमारे पास जो डिफरेंस था वो जो थे वो हमारे पास ये थे कि एक
जो कैनेटिक स्टैटिक फ्रैक्शन के बाद के बारे में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि रेस्ट में हो जब हमारे पास बॉडी तभी हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन है होगी, और हमारे पास कैनेटिक फ्रैक्शन के लिए जो ऑप्शन गिवन था वो था कि इंक्लाइनेशन में जब वो मूव करे तभी हमारे पास यानी मोशन में होगा, इंक्लाइनेशन का जिक्र था उधर ऑप्शंस में, तो करेक्ट क्योंकि ऑप्शन याद नहीं है सारे, तो इस वजह से स्टैटिक फ्रैक्शन जब हमारे पास रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट और कैनेटिक फ्रैक्शन में वहाँ हमारे पास इंक्लाइनेशन का जिक्र था, तो ये हमारे पास जब मूव करे इंक्लाइंड हो या मूव करे तो हमारे पास वो कैनेटिक फ्रैक्शन कहलाता है। सो द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रैक्शन इज द स्टैटिक फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ एन बॉडी दैट इज रेस्टिंग इन अगेंस्ट कैनेटिक फ्रैक्शन एज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी दैट इज इन रिलेटिव मोशन। सो ये जनरल डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, ऑप्शन वहां थे रेस्ट के लिहाज से और इंक्लाइनेशन के लिहाज से ऑप्शन थे। सो हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन रेस्ट के लिए और काइनेटिक फ्रैक्शन जब बॉडी मूव करे या इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड मूव करे तो उस कंडीशन में हमारे पास ये फ्रैक्शन वगैरह होंगे। तो ये हमारे पास 53 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास 54 है, व्हाट इज द अंडरलाइंग फिजिकल रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी सर्फेसेस। ऑप्शन ए है द स्टैटिक फ्रैक्शन कोफिशिएंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वेल्स, बी ऑप्शन है देयर आर फ्यूअर कोल्ड वेल्स एंड द केस ऑफ स्लाइडिंग, और थर्ड ऑप्शन है इन स्टैटिक केस नियरली 100% ऑफ द सर्फेस आर इन कॉन्टैक्ट इन एटॉमिक लेवल, और डी ऑप्शन व्हेन टू फोर्सेस आर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर देयर आर फ्यूअर कोल्ड वेल्स। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बनता है देयर आर फ्यूअर कोल्ड वेल्स इन केस ऑफ स्लाइडिंग। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि देयर आर फ्यूअर कोल्ड वेल्स इन केस ऑफ स्लाइडिंग। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और ऑर्डिनरी सरफेस के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 55 है, राइफल ऑफ मैस कैपिटल एम इज एट रेस्ट व्हेन बुलेट ऑफ मैस स्मॉल एम व्हिच हैज वेलोसिटी वी इज फायर थ्रू इट द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ राइफल इज। सो ये हमारे पास जो था लॉ ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड था, सो इनिशियल मोमेंटम क्योंकि रेस्ट पे है राइफल तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, सो एम वी प्लस एम वी हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वी के वो हमारे पास माइनस एम वी और कैपिटल एम, यानी ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है माइनस एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम। नेक्स्ट 56 है, द क्वांटम इफेक्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इन आयरन निकल एंड कोबाल्ट इज ड्यू टू, ये हमारे पास जो ऑप्शन थे डिफरेंट ऑप्शन थे, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास एक्सचेंज कपलिंग का है। इट इज नोन दैट विद इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ एटम इन द लॉर्ड क्लस्टर, अ फ्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट नोन एज एक्सचेंज इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व। सो इसमें हमारे पास जो एक्सचेंज कपलिंग का है वो हमारे पास इन्वॉल्व है। जनरली हम देखें तो हमारे पास जो फिजिकल ओरिजिन है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म की, वो हमारे पास अगर क्वांटम इफेक्ट के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक हमारे पास स्पिन है और दूसरा हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इसमें आता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर लूंगा आप लोगों को, मेरे वेबसाइट physicslove02.blogspot.com से आपको मिल जाएंगे, तो वहां से मैंने क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दी है तो वहां से आप इनको पीडीएफ में डाउनलोड करके कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सचेंज कपलिंग का ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन इज हाइड्रॉन, डिफरेंट ऑप्शन थे हमारे पास फोटॉन न्यूट्रॉन और वगैरह, तो ये हमारे पास में जो हाइड्रॉन है वो हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन्स था ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रॉन इज डिफाइंड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ क्वार्क्स ग्लुऑन एंड एंटी क्वार्क्स, हाइड्रॉन आर द हेवीएस्ट पार्टिकल्स। सो ये मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन इसकी एक्सप्लेनेशन दी है क्योंकि इस पेपर में पार्टिकल फिजिक्स से बेसिक्स जो इसके हैं तो काफी सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, 6-7 एमसीक्यूज 8 एमसीक्यूज आए हुए हैं इस पेपर में पार्टिकल फिजिक्स के से रिलेटेड, तो इसमें मैंने इस वजह से एक्सप्लेनेशन साथ दी है शॉर्ट नोट्स फॉर्म में। बरियान जो है हमारे पास 3 क्वार्क्स कलर क्वार्क से बना होता है, मीजान हमारे पास क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स है क्वार्क्स है और मीजान है, ठीक है हेड्रॉन्स के मीजान जो होता है अप क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क्स से बना होता है। सो ये हमारे पास हेवीएस्ट पार्टिकल है हेड्रॉन, और इसकी भी आगे अकसाम जो है वो लेप्टॉन से हम अगर कंपेयर करें तो लेप्टॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है। सो इसमें हमारे पास जो है करेक्ट हेड्रॉन एग्जाम्पल में कहा है
प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है और एंटी न्यूट्रॉन है। सिमिलरली बरियॉन्स जो है ये थ्री वैलेंस क्वार्क से बने होते हैं, फर्मियॉन्स हैं और दे हैव ऑड हाफ इंटीजर स्पेन, और इनकी फिर सारी आगे डिस्क्रिप्शन है में हमारे पास। बरियान नंबर बी जो है वन और थ्री, और बरियान नंबर बी इक्वल टू वन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द बेस्ट नोन बरियान्स है। तो ये हमारे पास इनके जो है स्पिन है, लाइफ टाइम है, सिंबल है, और ये हमारे पास पार्टिकल है मुख्तलिफ। और मीजान को हम डिफाइन करते हैं, मीजान और हेड्रॉन दैट कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स पेयर, दे आर बोसॉन दैट पोजेस सम इंटीग्रल स्पिन दैट इज 0, 1 और -1 एटसेट्रा। ओके, तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था इसमें कि गिवन में कौन सा हेड्रॉन है, तो वो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट था वो था न्यूट्रॉन। सो ऑप्शन हमारे पास न्यूट्रॉन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, फॉर द टू ऑब्जेक्ट मूविंग इंडिपेंडेंटली हाउ मेनी लैग्रांज इक्वेशन विल बी फॉर्म फॉर द सिस्टम। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि दो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स है, वो मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए दो अलहदा क्योंकि इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास टोटल कितनी लैग्रांज इक्वेशन आएंगे, क्योंकि डिफरेंट है, तो लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास जो होता है सम होता है एल इक्वल्स टी माइनस वी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। सो दोनों के लिए हम अलहदा अलहदा जब लैग्रांज इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास दोनों के लिए अलहदा अलहदा टोटल दो हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अगर इसका आपको सही स्टेटमेंट और सही अगर किसी को स्टेटमेंट और ऑप्शन पता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं मेरे लिहाज से, क्योंकि दो पार्टिकल है तो दोनों के लिए अलहदा लैग्रांज की इक्वेशन बनेगी, तो टोटल दो इक्वेशन बनेगी इसके लिए, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। सो अगर किसी आप लोगों में से किसी को पता हो तो वो कमेंट में इसका जो करेक्ट ऑप्शन, अगर ये मेरा ऑप्शन गलत है तो वो बता सकता है, अगर आपको ये स्टेटमेंट सही याद है और इसका ऑप्शन अगर सही याद है तो वो बता सकता है। सो मेरे लिहाज से ये हमारे पास क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं तो दो अलहदा पार्टिकल है, तो दोनों के लिए अलहदा अलहदा लैग्रांज इक्वेशन आएगा। सो टोटल दो इक्वेशन आएंगे, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इस लिहाज से। और इसमें सिर्फ लैग्रांज इक्वेशन का पूछा गया था कि कितने लैग्रांज इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 59 है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्लैनेट पॉइंट इन प्लैनेटरी मोशन। ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया था कि एक प्लैनेट से हमारे पास फोकस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एफेलियन या फेरिहेलियन। सो इस तरह के हमारे पास ऑप्शन थे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हम केप्लर्स लॉ के मदद से जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थ ऑर्बिट्स द सन इन एलिप्टिकल पाथ, इसका एलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर फोकस हम लेते हैं सन को हमारे पास, क्योंकि कैपिटल लॉ से पता चलता है कि हमारे पास जो सन है वो हमारे पास फोकस पॉइंट में है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इस लिहाज से हमारे पास एक साइड पे डिस्टेंस ज्यादा होगा और एक साइड पे कम। सो एपेलियन हमारे पास इज द पॉइंट ऑन द अर्थ ऑर्बिट दैट इज फर्दर रेस्ट अवे फ्रॉम द सन, यानी फोकस सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जो हमारे पास अर्थ आए या कोई भी प्लेनेट आए उस लिहाज से, तो वो उसको हम एपेलियन कहते हैं, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आए, नियरेस्ट डिस्टेंस पे आए, तो उसको फेरिहेलियन कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर क्या बनता है, हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस का पूछा गया फोकस से लेकर सन से लेकर उस प्लेनेट तक, तो वो हमारे पास सन से लेकर उस प्लेनेट तक यानी अर्थ तक हमारे पास एपेलियन है, तो ऑप्शन एपेलियन हमारे पास करेक्ट है। और अगर शॉर्टेस्ट का पूछे तो ये फेरिहेलियन है। सो ये हमारे पास इसका डायग्राम है, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स है और ये हमारे पास डिफाइन भी इसको हम इसी तरह करते हैं। और ये पेलियन कब हमारे पास होता है, यानी कब हमारे पास जो अर्थ है सन के ऑर्बिट में सन से फोकस से ज्यादा डिस्टेंस पे होती है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो वो हमारे पास है ऑलवेज हैपन इन अर्ली जुलाई, अर्थ इज फॉर द रेस्ट फ्रॉम द सन, और फिर हेलियन हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्ली जनवरी में, ठीक है, अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन। सो ये हमारे पास पेलियन हमारे पास जुलाई में, और हमारे पास फेरिहेलियन हमारे पास जनवरी में है हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि पॉइंट और ऑर्बिट, अगर जनरल हम एस्ट्रोनॉमी में डिफाइन करें पेलियन पॉइंट्स को, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट कॉमेट और अदर बॉडी मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, कोई भी प्लैनेट के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए, कॉमेट के लिए, ठीक है। और वेन अर्थ इज इट्स पेलियन इन अर्ली जुलाई इट्स अबाउट this kilometer and this miles further is from the sun when it's perihelion in early July. So ये हमारे पास जो इसमें correct option है वो perihelion है, जो कि हमारे पास option हमारे पास है ये option B है
सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास 60 है, द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ डायमेंशन वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी इक्वल्स ए प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। सो ये हमारे पास मोमेंटम गिवन है, नेक्स्ट फोर्स हमने बताना है कि हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या प्रोपोर्शनल टू टी होगा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास पी गिवन है, तो हमारे पास पी इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, सो यहाँ से हम डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के लिहाज से, एफ इक्वल टू डी, वो हमारे पास एफ इक्वल टू डी पी और डी टी है, सो एफ डायरेक्टली इक्वल टू टू बी टी, यानी एक्स हमारे एफ जो है हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी है। सो हमारे पास प्रोपोर्शन टू टी हमारे पास ऑप्शन डी है, सो इसमें हमारे पास जो फोर्स है वो प्रोपोर्शन टू टी होगा जब हमारे पास मोमेंटम ए प्लस बी टी स्क्वायर होगा। सो ऑप्शन जो हमारे पास डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 61 है, टू पार्टिकल इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ओनली पार्टिकल फोटॉन, या उसमें पेपर में जनरल क्वेश्चन की बात है कि टू पार्टिकल इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस वन ओनली पार्टिकल विद द ओरिजिनल पार्टिकल डिसअपीयरिंग द पार्टिकल मस्ट बी। सो हमारे पास ये दो पार्टिकल है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो एक पार्टिकल है ओरिजिनल पार्टिकल वो डिसअपीयर हो जाता है, तो अगला पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल हमारे पास कौन सा होगा, ये क्वेश्चन जर्नल पूछा गया था जिसमें हमारे पास ऑप्शन फोटॉन थे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल था एक ऑप्शन और एक ऑप्शन एंटी पार्टिकल था। सो ये जब भी हमारे पास होता है दो पार्टिकल हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं और एक हमारे पास ओरिजिनल पार्टिकल डिसअपीयर होता है, तो जो अगला दूसरा जो पार्टिकल होगा वो हमारे पास उस पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होगा। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास एंटी पार्टिकल करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, यानी एक हमारे पास पार्टिकल होगा और दूसरा हमारे पास एंटी पार्टिकल। सो करेक्ट ऑप्शन जो था वो हमारे पास एंटी पार्टिकल गिवन था पेपर के लिहाज से, सो वो हमारे पास क्या था, एंटी पार्टिकल करेक्ट ऑप्शन था, एक पार्टिकल होगा तो दूसरा हमारे पास एंटी पार्टिकल होगा, ठीक है, तो एंटी पार्टिकल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था इसमें। नेक्स्ट 62 है कि केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स डिफाइंड एज डैश ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिहाज से हम केल्विन को यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे पास 1 और 273.16 केल्विन, ये वाला ऑप्शन हमारे पास गिवन था, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। थर्मोडायनेमिक ट्रिपल पॉइंट वाटर सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट प्रेशर एट विच थ्री फेसेस गैस लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर की तीनों हालतें जो है एक ही उसमें पाई जाती है, एक एट अ टाइम पाई जाती है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज 273.16 केल्विन एट 611.73 पास्कल ये प्रेशर है, दिस इज द बेसिक बेसिस ऑफ द केल्विन स्केल एंड इट्स इक्वल टू 0.01 डिग्री विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास 0.01 है और ये अगर फारेनहाइट में देखें ये 32.01 फारेनहाइट है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन करेक्ट है 1/273.16 केल्विन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 63 है कि पियानो एंड गिटार वाइब्रेट सिमल्टेनियसली। अच्छा सर ये जो क्वेश्चन था इसमें जो ऑप्शन पूछे गए थे वो इनके फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से ऑप्शन पूछे गए थे, चार ऑप्शन थे क्योंकि चार ऑप्शन किसी को भी याद नहीं रहे। सो ये हमारे पास इसके जो ऑप्शन में पूछे गए थे वो फंडामेंटल और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से उनमें जो डिफरेंस है उनके लिहाज से इसमें ऑप्शन गिवन थे। सो हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर याद नहीं है, वैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पियानो की है नोट्स की वो हमारे पास 27 हर्ट्ज टू 4160 हर्ट्ज है और जो हमारे पास गिटार नोट्स है उसका जो रेंज है वो 90 हर्ट्ज से 990 हर्ट्ज तक है। बहरहाल जो पेपर में क्वेश्चन था वो हमारे पास इसके जो डिफरेंस था कि हमारे पास हम टर्नली से अगर वाइब्रेट करें तो इनके म्यूजिक में हमारे पास हम डिफरेंस कैसे करते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज वगैरह के दरमियान उसके लिहाज से जो ऑप्शन थे वो गिवन थे, तो उसके लिहाज से हमने देखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 63 क्वेश्चन पियानो और गिटार वाला था। नेक्स्ट 64 है कि अ सर्किट विच परफॉर्म एडिशन एंड गिव टू आउटपुट एस सम एंड कैरी। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, हाफ एडर कहते हैं। हाफ एडर इज द कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक सर्किट दैट एड्स टू नंबर एंड प्रोड्यूस अ सम बिट्स एंड कैरी बिट्स बोथ एज आउटपुट। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है एडिशन ऑफ टू बिट्स का, ये कॉम्बिनेशन सर्किट जिसको यूज करते हैं वो हमारे पास हाफ एडर कहलाता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था, हाफ एडर।
नेक्स्ट हमारे पास 65 के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट्रेस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स हैविंग द मैसेस m1 m2 द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ m1 टू m2 इज सो ये हमारे पास जो थे स्टेटमेंट्स ये काफी लेंथी थी कुछ उसके क्वेश्चन ओके तो ये जितने स्टूडेंट्स को याद थे ये वही है ठीक है तो ये हमारे पास इस तरह ये मेन इस तरह पूछा गया था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है मैं रेस्ट पे है डिसइंटीग्रेट करता टू फ्रैगमेंट्स में तो मैसेज हमारे पास गिवन है इसी तरह जनरल फॉर्म में था और रेशियो हमने फाइंड करनी थी वेलोसिटीज की सो इसमें हमारे पास क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे क्योंकि रेस्ट में है तो इनिशियल जीरो हो जाएगा सो यहाँ से हम फिर रेशियो निकालेंगे v1 प्राइम और v2 वो हमारे पास माइनस m2 और m1 हमारे पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन हमारे पास गिवन था तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाता है नेक्स्ट हमारे पास 66 वाई और पोल्स ऑफ फील्ड मैग्नेट ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मेड कनकेव इन शेप टू मेक मैग्नेटिक फील्ड तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था ये हमारे पास कनकेव शेप क्यों होते हैं तो ये हमारे पास क्या इसलिए होते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो स्ट्रांग हो और रेडियल हो ऑप्शन जो डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कनकेव पोल्स प्रोड्यूस स्ट्रांग यूनिफॉर्म एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग तो ऑप्शन डी हमारे पास रेडियल एंड स्ट्रांग जो है रेडियल एंड स्ट्रांग ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है नेक्स्ट हमारे पास है 67 व्हेन लाइट इज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक प्लैनेट्स कार्ड तो ये हमारे पास पोलराइजेशन कहलाता है कि द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑप्शन हमारे पास जो है सी करेक्ट ऑप्शन है पोलराइजेशन सो इसमें हमारे पास जो अनपोलराइज लाइट होती है उसको हम फिर प्लेन पोलराइज जिस तरह भी हमने ऑब्टेन करनी होती है इसकी भी आगे फिर हमारे पास अकसाम होती है दो तीन तीन टाइप्स हैं पोलराइजेशन के इलेप्टिकल पोलराइजेशन और ये वर्टिकल वगैरह और इस तरह ठीक है प्लेन पोलराइजेशन सो हमारे पास क्या होता है स्पेशलाइज मटीरियल यूज होते हैं लाइट रेफर इज अ प्लेन और लीनियर पोलराइज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल द वेव्स वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन और टाइम इज प्लेन पैरेलल आर प्लेन पोलराइज या अनपोलराइज हमारे पास ये हम पोलराइजर रखते हैं वर्टिकल तो इसको हम वर्टिकली पोलराइज उसमें चेंज कर देते हैं सो हमारे पास ये हमारे पास क्या है ऑप्शन जो सी है पोलराइजेशन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें नेक्स्ट 68 है मेन स्टेन एंड बाथरूम स्केल इसी तरह हमारे पास स्टेटमेंट थी एग्जैक्टली इसी तरह पूछा गया था कि इंडिकेटर्स एज वेस्ट डब्ल्यू द मेन स्टैंडिंग द स्केल इनसाइड इन एलिवेटर व्हेन इट एज इट रेस्ट व्हाट विल बी द स्केल रीड व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी सो क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास जो है स्केल हमारे पास इसमें जो अपेरेंट वेट है वो हमारे पास इक्वल होगा डब्ल्यू की ठीक है टी इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू यानी दोनों टी इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट गिवन थे सो व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड द नॉर्मल फोर्स ऑन द पर्सन फ्रॉम द फ्लो ऑफ द लिफ्ट इज द सेम एज द वेट ऑफ द पर्सन सो यू कैन से दैट द स्केल विल रीड सेम वैल्यू एज डब्ल्यू सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट बनता है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा सो द स्केल विल रीड द सेम वैल्यू एज डब्ल्यू एन टी इक्वल्स टू डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन जो है बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है नेक्स्ट 69 है टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैविंग सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स बट डिफरेंस कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी बोथ कैपेसिटर फिल्ड विद एयर द क्वांटिटी विच रिमेन सेम सो हमारे पास क्योंकि हम जो सेम सेपरेशन है कैपेसिटेंस सिर्फ डिफरेंस है तो तीसरी चीज हमारे पास जो तीसरी चीज है जनरल अगर हम फार्मूला देंगे तो क्या इक्वल टू सी वी है सो अगर तीसरी चीज हमारे पास फिर क्या चीज जो है वो सेम रहेगी वो हमारे पास है चार्ज तो चार्ज हमारे पास फिर सेम रहेगा इन दोनों के दरमियान इन दोनों के लिए कैपेसिटेंस के लिए तो ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 70 है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 4 नैनो कूलम पर क्यूबिक मीटर एंड द लेंथ ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना था वो हमारे पास है जो फाई है कि क्यों इनक्लोज और एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ से हम रो और क्यों की वैल्यू निकाल लेंगे रो वी आ जाएगी और वॉल्यूम क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर में है इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर में तो यहाँ से हमारे पास क्यूबिक मीटर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा क्यों इक्वल्स टू रो वी है तो क्यों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास क्या है वी हमने मल्टीप्लाई किया जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है
सो यहाँ से हमारे पास क्यों की वैल्यू आ जाएगी और ये हम पे पुट कर लेंगे मेन फार्मूला में क्यों एप्सिलॉन नॉट के, और हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.3 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। सो जो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा 2.3 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है 71 एफ गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली एंड इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स आर वी आर एंड वी एफ एंड रिवर्सिबल प्रोसेस देन चेंज इन एंट्रोपी एज, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, एज वी नो दैट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंजेस इज ऑलवेज जीरो, एडियाबेटिक मींस नो ट्रांसफर ऑफ हीट, सो वी कंक्लूड दैट एंट्रोपी एंड हीट चेंज इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। सो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास चेंज जो होगा इसके लिहाज से वो हमारे पास जो है जीरो होगा। सो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी जीरो, ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है जीरो। नेक्स्ट हमारे पास 72 है द एंट्रेंस डोर ऑफ क्लास रूम इज पिवोटेड अबाउट द हिंज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डोर व्हेन यू बिगन टू पुश ऑन द राइट साइड ऑफ द डोर टू द एंटर द क्लास रूम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑन द डोर। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास जो टॉर्क होगा वो हमारे पास अपवर्ड होगा, ऑप्शन जो सी है ये अपसाइड होगा, ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73 है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 65 टू 64 सेल्सियस इन अ टाइम टी द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम 61 टू 60 डिग्री एज। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी और ये हमारे पास क्या है आई थिंक टाइम जो इसमें इंक्रीज करेगा और ये हमारे पास जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के मुताबिक है, इस तरह की स्टेटमेंट थी। एग्जैक्ट अब स्टेटमेंट याद नहीं है इस वैल्यू में मे भी थोड़ी बहुत हो। तो ये हमारे पास जो था एमसीक्यूज हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के मुताबिक था। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास क्या है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। सो ये हमारे पास इससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज इसी तरह पूछा गया था। तो टाइम हमारे पास इस केस में फिर इंक्रीजेस का ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होगा फिर। नेक्स्ट हमारे पास है 74 इफ वेट बिकम्स ट्वाइस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इट्स टाइम पीरियड विल बी, सो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है इसी तरह का ये स्टेटमेंट थी तो इसमें पूछा गया था। तो उस लिहाज से हमारे पास क्या है टाइम पीरियड पर इंक्रीज करेगा ट्री इज इक्वल टू 2πm और के होल अंडर रूट का फॉर्मूला है हमारे पास। सो जो इंक्रीज है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फिर। नेक्स्ट 75 द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज वी व्हेन वेट डब्ल्यू हैंग्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इफ द वेट बिकम्स डबल विदाउट स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग द वेलोसिटी बिकम्स। सो इस तरह की ये स्टेटमेंट थी हमारे पास और हमने फिर बताना था वेलोसिटी का अगर मेरे वेट हम डबल करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला था ये स्पीड ऑफ वेव एंड स्ट्रिंग अंडर टेंशन के फार्मूले से हमने ताकि वी इक्वल्स टू एफ टी और म्यू और एफ टी जो है ये हमारे पास टेंशन है फोर्स ऑफ टेंशन है एंड द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मेस पर यूनिट पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो इससे हमारे पास जो फार्मूला होता है वी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एल ओवर एम। सो इससे हमारे पास जब वेट डबल करेंगे तो जो फोर्स है वो भी आई थिंक डबल हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास फिर इसका रिलेशन इस तरह निकालना था, स्टेटमेंट इसी तरह थी कुछ, तो वो आई थिंक जो वेलोसिटी है अंडर रूट टू की इक्वल आ जाती है, इस तरह कुछ वैल्यू आनी थी। सो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था और वो हमारे पास वेव ऑफ स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग अंडर टेंशन के फॉर्मूले से होना था। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन बाय द ऑब्जर्वर इन अर्थ रेफरेंस एज। सो ये स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट याद नहीं है थी किसी को, किसी ने भी नहीं, लेकिन मैंने देखे तो नोट्स वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह में जो मुझे मिले तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आई थिंक जो था कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस तरह का कुछ ऑप्शन बनता था, मगर ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है कि स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी और जो ऑब्जर्वर है अर्थ पे है उसके लिहाज से उसका एक्सेलरेशन था या कुछ बताना था, इस तरह का ये एमसीक्यूज था। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज था वो पयान के रिएक्शन के बारे में था, आई थिंक पयान के बरियान के साथ ये पयान का कुछ रिएक्शन था और उसके बारे में बताना था और उसके जो ऑप्शन गिवन थे वो हमारे पास था ओमेगा सिग्मा माइनस ओमेगा और इस तरह के ऑप्शन गिवन थे ऑप्शन 1 2 3 4 में इन एबीसी में और बताना था कि क्या आता है इन रिएक्शन से हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, सिग्मा आता है
समेशन आता है, माइनस ओमेगा आता है, इस तरह का ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। सो ये स्टेटमेंट और ऑप्शन किसी को याद नहीं है, तो ये जस्ट बयान के बारे में था इतना ये, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स के अब इसमें कोई 7-8 या 6-7 क्वेश्चन तकरीबन पेपर में आए थे इस दफा। और एक और क्वेश्चन था, तो वो था कोई हमारे पास कि पॉइंट चार्ज लोकेट कर रहा है कहीं सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस फेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इस तरह का था, उसका रेडियस कोई गिवन था आर, और उसका फ्लक्स था कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो वो हेमिस्फीयर के मुताबिक था कुछ, उसका फाइंड करना था, मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन थे उसमें से। उसके लिए मुख्तलिफ वो गिवन था क्योंकि स्टेटमेंट आप किसी को याद नहीं थी सही, और ना ही ऑप्शन, वो कोई पॉइंट चार्ज था जो लोकेट कर रहा था सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस पे, और हेमिस्फेयर था रेडियस आर उसका गिवन था, ठीक है। तो फ्लक्स था उसका कर्व सरफेस का, फ्लक्स फाइंड करना था कि या मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह का कोई था क्वेश्चन, और उसके फिर मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन थे, तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो ये तकरीबन 77 या 78 क्वेश्चन इसी तरह थे। मैंने पूरी कोशिश की है जो जितने पेपर में क्वेश्चन थे इसको मैं रिकवर कर सकूँ और मैक्सिमम स्टेटमेंट के साथ लिख सकूँ, क्योंकि मेन चीज़ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ही आपको पता चलता है कि पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है, तभी आपको फिर उस क्वेश्चन का अंदाज़ आता है, और किस तरह ऑप्शन गिवन है तभी आप उस क्वेश्चन से आप कंसेप्ट आप कैसे लेते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं दे देता खी इसकी या वो, तो आप लोगों को समझ ही ना आती कि क्वेश्चन आए किस तरह थे और उसको सॉल्व किस तरह करना था। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ये जीके का पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि टू ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर एंड क्रॉस इन 18 सेकेंड, एफ ट्रेन ए हैज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी हैज 40 किलोमीटर आवर, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 250 मीटर, वट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। सो ये दो ट्रेन आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को, हमारे पास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक स्पीड 62 से और एक 40 से, और एक ट्रेन ए का जो है वो हमारे पास लेंथ जो है 250 है, तो वो जब दूसरे तो जब वो 18 सेकेंड के बाद दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ट्रेन बी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा, सॉरी जो लेंथ होगा वो कितना होगा। सो ये रिलेटिव वेलोसिटीज के साथ के रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले से हमने इसको करना है, एस इक्वल टू वीटी, और रिलेटिव वेलोसिटी है क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है उस केस में प्लस हो जाएंगी, तो 62 + 40 हमारे पास 102 आ जाता है, और उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 28 किलोमीटर, तो और हमारे पास जो डिस्टेंस होगा है वो 20 प्लस जो डिस्टेंस 250 जो है हमारे पास एक ट्रेन का, प्लस डी जो हमने दूसरे का फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जगह हम ये लिख लेंगे एस इज इक्वल टू 250 प्लस डी, सो 250 प्लस डी इक्वल टू वी टी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टी की वैल्यू हमारे पास, वी की जो वैल्यू है हमने निकाली हुई है 228, और टाइम हमारे पास गिवन है 18 सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 504 आ जाएगा। सो यहाँ से हम डी की, ये हमारे पास प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 504 - 250 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आंसर आ जाएगा 254 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन हमारे पास गिवन है करेक्ट ऑप्शन 254 मीटर, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो एक क्वेश्चन ये था हाइपर थायराइड या थायराइड डिजीज, जो डिजीज थायराइड होता है वो हमारे पास ग्लैंड कितना एडीन एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, सो इस तरह का ये एमसीक्यूज था। तो इसका जो आप करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास है मोर देन ट्वाइस, जो डिजीज या हाइपर थायराइड होते हैं वो मोर देन ट्वाइस एडीन को एब्जॉर्ब करता है ग्लैंड जो है। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन गिवन था। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड फॉर बी सी डी, सो बी सी डी के लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए हमारे पास यूज करते हैं 4 बिट्स टू इनकोड द डेसिमल डिजिट्स, जिसको तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इसमें है कि ईच डिजिट एंड डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बिट्स, दिस कोडिंग कैन बी डन इधर 4 बिट्स आर 8 बिट, बट ज्यादा जो प्रेफर होती है वो हमारे पास 4 बिट्स है। सो करेक्ट ऑप्शन 4 है हमारे पास, 4 गिवन था ऑप्शन में, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एक तरह की इंग्लिश का क्वेश्चन था कि दीज थॉट्स आर इंडोक्टरेटेड एंड हैज माइंड फ्रॉम चाइल्डहुड, इस तरह का एमसीक्यू था, आई थिंक इसमें जो करेक्ट बनता था इंडोक्टरेटेड ही बनता था, डॉक्ट्रिनेटेड इस तरह के कुछ इसके ऑप्शंस थे, तो एक हमारे पास ये इंग्लिश का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो था इराक एंड कुवैत वार के बारे में पूछा गया था, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास स्टार्ट है 1919 में, और ये एंड हुई थी हमारे पास 1991 में। सो इराक और कुवैत इन्वेजन ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द इराक ऑन 2 अगस्त 1990, वेयर बाय द इन्वेडेड नेबर कुवैत स्टेट कंसेक्यूटिव रिजल्टिंग 7 मंथ लॉन्ग इराकी मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री। तो आई थिंक स्टार्ट का पूछा गया, तो ये हमारे पास 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1991 में ये हमारे पास एंड हुआ था। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है।
नेक्स्ट था कि टेबल्स एंड कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड. सो टेबल्स एंड कंप्यूटर रिकॉर्ड रिलेशन ऑप्शन जो था रिलेशन वाला, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें से. और उसी फिर जो है ऑप्शन कॉलम्स और रोज भी था, मगर वो हमारे पास देखो टेबल्स आर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक्स इन बोथ रोज एंड कॉलम्स, मगर टेबल्स जो है उसको हम रिलेशन ही कहते होते हैं. सो रिलेशन का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी वाज ओरिजिनेटेड इन ईयर, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी तनाजी के बारे में पूछा गया था जो कि 1867 में कंट्रोवर्सी आई थी, यह हुई थी हमारे पास. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था 1867. नेक्स्ट था कि द फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच हेल्ड आफ्टर 4 ईयर, हमारे पास सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है. वर्ल्ड कप होस्ट द टॉप 32 नेशंस टीम्स इन मंथलिंग टूर्नामेंट, द होस्ट कंट्री सेलेक्टेड बाय फीफा काउंसिल, सो आफ्टर एवरी 4 इयर्स, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है. नेक्स्ट हमारे पास था कि प्रोटीन इज मेड एन, सो ये हमारे पास जो प्रोटीन आर द साइट्स वेयर राइबोसोम्स आर द साइट्स वेयर प्रोटीन आर सिंथेसिस, सो हमारे पास जो प्रोटीन है वो राइबोसोम्स में तैयार होते हैं. सो ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास मेनी लोकल नेटवर्क लैंस आर कनेक्टेड बाय, तो ये हमारे पास इंटरनेट एट सेंट्रल पॉइंट रूटर के थ्रू हमारे पास कनेक्ट होते हैं. होम लैन आर ऑफन इज सिंगल रूटर while lanes in larger spaces are additionally network switches for more efficient packet delivery. So ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है रूटर करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट इंग्लिश का एक क्वेश्चन था fill in the blanks थी कि मालदीव एज, ये पूरी स्टेटमेंट याद नहीं थी, बहरहाल इसमें यह था कि मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्यूटीफुल ऑफ द ब्यूटीफुल, क्योंकि मोस्ट था तो दिया ना था, थाउजेंड ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईलैंड इस तरह का कुछ इंस्टीट्यूट था. तो ये इसमें आप मेड ऑफ दी ऑफ और दी ये वाले हमारे पास करेक्ट इसमें थे. नेक्स्ट फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यून का पूछा गया था, वो हमारे पास ट्रेगिव लाई ऑफ नॉर्वे, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट था ट्रेगिव लाई ऑफ नॉर्वे. नेक्स्ट था कि फर्स्ट स्ट्रिंगर MI-92 वाज यूज इन विच वार, ये इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी, अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं, बहरहाल इस तरह की कोई मिसाइल था उसके बारे में पूछा गया था. और ये जो है हमारे पास स्ट्रिंगर मिसाइल ड्यूरिंग सेकेंड चेचियन वार्स में ये यूज हुआ था. अगर ये किसी को करेक्ट स्टेटमेंट याद हो या ऑप्शन याद हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है. नेक्स्ट था यादगार गालिब वॉज रिटन बाय, यादगार गालिब किसने लिखी थी, तो वो अल्ताफ हुसैन आली, इसमें करेक्ट ऑप्शन था अल्ताफ हुसैन आली ने ये लिखी थी यादगार गालिब. नेक्स्ट था कि असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन बाय, सो असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन बाय सर सैद अहमद खान ऑफ 1857, ये हमारे पास सर सैद अहमद खान ने लिखी थी 1859 में, लेटर ट्रांसलेट इसको कर लिया गया था इंग्लिश में भी. सो ये हमारे पास सर सैयद अहमद खान करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट हमारे पास खजुस्ता गाम की तरकीब का मफहूम क्या था, यानी इसकी मीनिंग पूछी गई थी, तो वो हमारे पास है ऑप्शन ए मुबारक कदम, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है इब्न खल्दून वॉज पायनियर ऑफ, तो वो सोशल साइंस ऑप्शन गिवन था, तो सोशल साइंस हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता था. इब्न खल्दून हमारे पास अरब फिलासफर था, हिस्टोरियन था और स्टेट्समैन जज हिस्टोरियन एंड सोशियोलॉजिस्ट था और ट्रू फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी. सो सोशल साइंस का पायनियर ये हमारे पास सोशल साइंस ऑप्शन गिवन था, सो सोशल ऑप्शन हमारे पास साइंस ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था. सो इसके अलावा भी दो तीन थे जनरल नॉलेज के, वो एक इंग्लिश के लिहाज उसके लिहाज से थे और एक आई थिंक ग्रोथ रेट का था, इंग्लिश में फ्रेजाइल और वर्नरेबल इस तरह की कोई वो आते थे उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स थे. तो आज के लिए हमारे पास ये पेपर, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैक्सिमम एमसीक्यूज मैं इसमें रिकवर कर सकूँ लिख सकूँ, तो इसलिए मैंने कोशिश की है, इस वजह से मेरी वीडियो भी काफ़ी लेंथी बन गई है, मगर ओरिजिनल पेपर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ओरिजिनल स्टेटमेंट ओरिजिनल एमसीक्यूज जो जिस तरह आए थे पेपर में उसको रिकवर कर सकूँ उसको लिख सकूँ, तो इस वजह से ये पेपर जो है वीडियो काफ़ी लेंथी भी बन गई है.
तो तकरीबन इसमें पेपर में आपको तकरीबन देख लो 90 से ऊपर क्वेश्चन मैंने तकरीबन लिखे हैं, 90 से ऊपर 95 तक। चंद एक क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं थे किसी को जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था। तो आज के लिए इतना काफ़ी, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई बहुत जल्दी ही अपने जो वेबसाइट है मेरे physicslove02.blogspot.com, या मेरी वेबसाइट है, इस पर आपको पिछले जो पेपर्स हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएंगे। और इसका भी मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा पीडीएफ भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ, यानी और फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं हम कि जो पास्ट पेपर से एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, काफ़ी सारे 3-4 एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं या इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पिछले सालों के अगर आप देखें तो इसमें से काफ़ी सारे इस पेपर में जो है रिपीट हुए हैं एमसीक्यूज। सो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स फॉर।